डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए हमें क्या करना है, तो ये टेंडा का बॉक्स है हमारे पास, इसको इस वाईफाई से जोड़ना है। देखिए ये वाईफाई है, इसके साथ एयरटेल की ये जोड़ना है। आप किसी भी वाईफाई के साथ जोड़ सकते हैं, सेम ऐसे आपको सिचुएशन में जाना पड़ेगा। मुझे फ़ोन भी होना चाहिए, फ़ोन नहीं है तो आपके पास लैपटॉप हो तो लैपटॉप से जोड़ सकते हैं। आज मैं आपको सीधा फ़ोन से बता रहा हूँ, बहुत आसान तरीका है, ये समझिए। जैसे हमारे पास फ़ोन है, फ़ोन को ओपन करते हैं तो इसमें दिखाएगा वाईफाई में, ये देखिए वाईफाई में दिखा रखा है टेंडा, ये मैंने बना रखा है। पहले आपको शुरू से बताता हूँ कैसे करना है। एक बार फ़ोन को छोड़ दीजिए साइड में, तो ये जो है हमें दबाए रखना है, ये जो रीस्टार्ट का बटन है इसे प्रेस करके रखेंगे, क्योंकि इससे रीसेट हो जाएगा आपका डोंगल है। दबाए रखें, पूरी लाइटें ब्लिंक करेंगी, एक बार कुछ सेकंड के लिए, दो या तीन सेकंड के लिए लाइटें ब्लिंक करेंगी। ये देखिए तो भैया ये लाइटें ब्लिंक कर चुकी हैं, तो अब ये हो गया रीसेट। इसे छोड़ दें, बिल्कुल से रीसेट है, इसमें कोई पासवर्ड नहीं है। अब आप उठा लें अपने फ़ोन को, फ़ोन में देखिएगा, ये देखिए फ़ोन में वाईफाई बन जाएंगे, तो टेंडा नाम से मिलेगा इसमें, टेंडा राउटर। ये देखिए टेंडा 3C 5C00, इसे क्लिक करेंगे तो कनेक्ट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली एक विंडो खुलेगी आपके सिस्टम पे। सिस्टम पे मोबाइल पे जो है ये विंडो खुल जाएगी। इसमें आपको यूज़र नेम पासवर्ड लगाने हैं अपनी वाईफाई के, PPOE पे लगा के यूज़र नेम मैं डाल रहा हूँ एडमिन, आपकी मर्ज़ी है आप जो पासवर्ड लगाएंगे, जो यूज़र नेम पासवर्ड लगाएंगे वो आपको याद रखना है सिर्फ, बस। और पासवर्ड डाल देंगे, मैं एडमिन ही पासवर्ड डाल रहा हूँ, बिल्कुल। तो भैया ये हो गया पासवर्ड, और ये जो है ये अपना जो राउटर है टेंडा का, उसका पासवर्ड है ये, आप लगाएं इसमें। मैं टेंडा नाम लिख के इसका वाईफाई पासवर्ड बना रहा हूँ, ताकि कोई इसे कनेक्ट करना कर सके। अगर वाईफाई यहाँ पासवर्ड नहीं लगाएंगे तो कोई भी बंदा आपका ये कनेक्ट कर लेगा आपका राउटर, जिससे उसका नेट चलने लगा है, क्योंकि ये वाईफाई से कनेक्ट होने वाला है, जो मेरे पास एयरटेल की वाईफाई है उससे कनेक्ट होने वाला है, इसलिए मैंने admin@123 पासवर्ड लगा दिया और ओके कर दिया। अब देखिएगा ये अब हो जाएगा रीस्टार्ट, विंडो रीस्टार्ट हो चुकी है, वाईफाई डिसकनेक्ट हो चुकी है। अब दोबारा से आप देखेंगे तो टिंडा नाम मिलेगा आपको इसमें, ये देखिए टिंडा अपना नाम चेंज कर दिया था, अब इसे पासवर्ड हो गया, लॉक हो गया। क्लिक करेंगे, अब जो पासवर्ड लगाया था admin@123 वो पासवर्ड लगाना है, उसके द्वारा फिर ये कनेक्ट होगा हमारे फ़ोन से, टेंडा जो वाईफाई है फिर हमारे फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगा। जो लगाया था admin@123 वो लगा देंगे और कर देंगे कनेक्ट, ये देखिए पासवर्ड है, उसे कर दें कनेक्ट, अब कनेक्ट हो जाएगा ये, ये देखिएगा ओके करते ही ये कनेक्ट हो चुका है, बट इसमें नो इंटरनेट एक्सेस आएगा। ये रीज़न आपको बता देता हूँ, नो इंटरनेट एक्सेस, क्योंकि अभी ये वाईफाई से कनेक्ट नहीं हुआ है, इसलिए नो इंटरनेट एक्सेस ही आएगा, इसकी वजह सिर्फ यही होती है। ये देखिए दिस वाईफाई नेटवर्क हैज़ नो इंटरनेट, ये इसी वजह से आता है। अब हमें करना है वाईफाई से कनेक्ट, चलिए करते हैं, वाईफाई से जोड़ते हैं हम, जो एयरटेल की वाईफाई हमारे पास मौजूद है और टेंडा का राउटर है, इस फ़ोन के द्वारा इसको कनेक्ट करते हैं। अब खोलेंगे गूगल क्रोम को, और जो टेंडा का राउटर है हमारे पास, इसके पीछे होता है एक IP, चलो मैं दिखा देता हूँ आपको, IP होता है, अब सारे के पीछे एक यूनिक IP होता है और पासवर्ड होता है, लॉगिन पासवर्ड। ये देखिए IP है 192.168.0.1.1 एडमिन पासवर्ड है, एडमिन ही इसकी लॉगिन है। पहले हम IP डालते हैं अपने सिस्टम में, देखिए कनेक्ट हो चुका है टिंडा, और अब डाल रहे हैं IP 192.168.0.1, ये देखिए IP डाल दिया है, वो ओके करेंगे, सर्च बार में जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तुम्हारे सामने एक ऐसी विंडो खुल जाएगी, ये देखिए इंटरनेट कनेक्शन स्टेटस, ये विंडो खुल गई, हमें राइट साइड में जाना है कॉर्नर में, और इस पर क्लिक करते हैं तो नीचे आएगा वायरलेस सेटिंग, ये देखिए वायरलेस सेटिंग, उसके नीचे वायरलेस रिपीटिंग, हमें रिपीटर बनाना है इसलिए वायरलेस रिपीटिंग,
और हमें बनाना है यूनिवर्सल रिपीटर, तो सेकंड पे क्लिक कर देंगे यूनिवर्सल रिपीटर। अब ये नीचे शो कर देगा वाईफाई जो आपकी ऑन है, जो ही वाईफाई आपकी ऑन है। देखिए फर्स्ट पे इसने एयरटेल MW4091V2 कर रखी है, 100% नेटवर्किंग क्योंकि पास में रखी हुई है ये हमारी वाईफाई। नीचे जो और दी गई है कोई वाईफाई ऑन है तो उसका कनेक्शन पकड़ लेगा, इस पर कर दें क्लिक। क्लिक करने के बाद इसमें पासवर्ड आएगा, जो पासवर्ड आपके पास है, देखिए यूनिवर्सल रिपीटर किया था, एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ, ये एयरटेल की वाईफाई है, इस पर कर दिया क्लिक। अभी इसका पासवर्ड देखिए इससे ये कनेक्ट हो चुकी है, समझ में आ गया होगा कि राउटर से वाईफाई को जोड़ना है, तो इस पर क्लिक कर देंगे और जस्ट ये पासवर्ड दिखा देगा। देखिए पासवर्ड दिखा रखा है। अब जो हमारा वाईफाई का पासवर्ड है वो इसमें पासवर्ड हम डाल देंगे, और डालने के बाद इसे ओके करते ही एक बार रिस्टार्ट होगा, फिर हो जाएगा हमारा रिपीटर तैयार। अब जिस सिस्टम में आप इसे लैन से जोड़ोगे तो ये जुड़ जाएगा, बाकी कोई टेंशन नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक कर देना, शेयर कर देना, और लैपटॉप सॉल्यूशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। साथ में बेल आइकन आता है उसको भी दबा दें। वीडियो को देखने के धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कुछ सूचना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।